सो गाइस, तो जो आज की वीडियो है थोड़ी होने वाली डिफरेंट, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं यह हमारे पास बॉक्स जिसमें है कस्टम बिल्ड सीपीयू जो कि मैंने नेहरू प्लेस से लिया है। और आपको यहां पता ही होगा, यदि कंप्यूटर से कोई भी पार्ट्स चाहिए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है नेहरू प्लेस, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आज हम इसी रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैंने कौन से स्पेसिफिकेशन लगवाए हैं, मुझे कितने का पड़ा है। और यदि आपको ही बिल्ड कराना है कस्टम बिल्ड सीपीयू और आपका जो बजट है वो 30,000 से लेकर 60,000 है, तो आप तो इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर। और जो भी मैंने सर्च किया मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और मैंने बहुत सारी शॉप पर विजिट भी किया है और जो उसकी रिसिप्ट है वहाँ भी मैंने इकट्ठा की जिसमें प्राइस लिखे हुए हैं, तो वहाँ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे डीजल, आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को पूरा आगे देखते हैं जिससे आपको ये हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके अनबॉक्सिंग और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन लगवाए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अब मैं आपको वीडियो काट के दिखा देता हूँ किस तरह से हमें देखने को मिलता है हमारा सीपीयू। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ हमें इस तरह से जो हमारा सीपीयू उसका लुक देखने को मिलता है। मैंने कुछ ज़्यादा आरजीबी का यूज़ नहीं करवाया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मैं क्या स्पेसिफिकेशन इसमें लगवाए हैं। उसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा यदि मेरा बजट थोड़ा और हाई होता तो मैं क्या इस पर लगवाता, ठीक है। तो यदि आपका भी बजट हाई है तो आप भी लगवा सकते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोसेसर की। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारे पास प्रोसेसर है जो कि AMD का राइजन 3400G है। इसमें आपको वेगा 11 का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी साथ देखने को मिलता है और यह हमारे पास 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ आता है। बट मुझे यह परचेस नहीं करना था, बट अभी बजट के कारण मैंने यह परचेस कर लिया है। यदि आपका बजट हाई है तो आप परचेस कर सकते हैं 3600G जो कि 12 थ्रेड के साथ आता है, बट उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं आता। तो आपको जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको परचेस करना पड़ेगा और आपको पता ही है जो ग्राफिक कार्ड है उसके प्राइस कितने ओवर प्राइस चल रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा ही। अब हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की, मैंने कौन सा मदरबोर्ड परचेस किया। तो जिससे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह है गैलेक्सी का A320M मदरबोर्ड। अब इसमें आप 32GB तक आप जो रैम है वह एक्सटेंड कर सकते हैं। यदि आपने भी 3400G परचेस किया तो आप यह परचेस कर सकते हैं, बट यदि आप 3600 परचेस करने जा रहे हैं तो आपको इससे ऊपर का मॉडल परचेस करना पड़ेगा, B450 आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रैम की, मैंने कौन सी रैम परचेस की है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह मेरे पास रैम है XPG की 8GB रैम है जो कि 3200 MHz की। आप भी कोशिश कीजिए कि 3200 MHz के ऊपर की जो रैम है वह परचेस करें। इसके अलावा यदि आप कंपनी की बात में से पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोसेर वेगेंस की आप परचेस कर सकते हैं या आप परचेस कर सकते हैं हाइपर फ्यूरी की। इसके अलावा यदि आपको इसकी परचेस करना हो तो इसके भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं SSD। अब SSD मैंने क्यों परचेस की है, क्योंकि मेरे को जो भी स्पीड में रन कराना कोई भी सॉफ्टवेयर तो SSD जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने SSD परचेस की है जो कि 240GB की SSD है किंगस्टन कंपनी की। तो यदि आपको परचेस करना है किंगस्टन की भी कर सकते हैं, कोसेर की भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की, मैंने पावर सप्लाई कौन सा परचेस किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोसेर CV450W का मैंने परचेस किया है। यदि आपको भी परचेस करना तो बहुत अच्छा है, आप परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इंटरनल जो 1TB की हार्ड डिस्क है वहाँ परचेस की है। इसके अलावा मैंने ग्राफिक कार्ड ही परचेस किया है 4GB जो कि है RX 730। बट यदि आप AMD राइजन 3600 परचेस करते हैं तो कम से कम आप 1650 या 1650 से ऊपर जरूर परचेस कीजिएगा ग्राफिक कार्ड को। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं प्राइसिंग की। मैं सारी जो दुकान है जो भी शॉप्स हैं उनकी आपको रिसिप्ट दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस प्राइस पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप मेरे साथ वीडियो में और आगे बने। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोस्टोकोस्ट कंप्यूटर जो शॉप है उसके बारे में। यह बहुत बड़ी शॉप है नेहरू प्लेस में, आप देख सकते हैं जाकर। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की जो कि 3600 राइजन है, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी यह प्राइस है। इसके अलावा मदरबोर्ड जो 450 है मॉडल उसकी आप बात करें तो यहाँ पर यह प्राइस देखने को मिलता है। यदि आप इसमें ऐड कराते हैं जो आप मदरबोर्ड लेते हैं तो उसमें आप ब्लूटूथ और वाईफाई ऐड कराते हैं तो आपको यह प्राइस देखने को मिलता है। उसके अलावा हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की जो 1TB है 7200 RPM की, तो उसका आपको यह प्राइस देखने को मिलता है। उसके अलावा रैम की बात करें तो आपको यह प्राइस देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम SSD की बात करें 240 तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका यह प्राइस देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो SMPS मतलब कि जो हमारा कोसेर का 450W का है उसका आपको यह प्राइस देखने को मिलता है। और इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, यहाँ पर 2GB ग्राफिक कार्ड लगाया है यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 710, तो इसका जो प्राइस है वह आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो टोटल जो कॉस्ट है हमको यहाँ पर यह पड़ती है। और इसके अलावा यदि हम 18% GST लगाते तो यह आपको कॉस्ट देखने को मिलती है जो कि है 52,850 है सर कुछ। तो वैसे कोई इसमें इस तरह से देखने को मिलता है। यदि आप 3600 का जो बनाते हैं आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपका ग्राफिक कार्ड के लिए और अच्छे पैसे हैं तो यहाँ पर आप 1650 या 1650 से ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका इससे कम बजट है तो आप इस स्पेसिफिकेशन पर भी आपका जो CPU है वह बना सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या क्या ऐड करवाया देख सकते हैं, या भी उसी शॉप की जो रिसिप्ट है वह है, आप यहाँ देखिए। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इसमें 3400G है, यह आपको इस प्राइस पर देखने को मिलता है।
उसके अलावा यदि आप यहाँ देखते हैं मदरबोर्ड, यहाँ पर आपके पास B450 मदरबोर्ड ही है, उसका आपको यह प्राइस देखने को मिलता है, बट यह मॉडल है वह दूसरा है, ठीक है। इसके अलावा 1 TB हार्ड डिस्क आपको वही रेट देखने को मिलती है, 8 GB रैम वही आपको देखने को मिलती है, 240 GB SSD वही आपको रेट देखने को मिलती है, उसके अलावा SMPS वही आपको रेट देखने को मिलती है। इसमें हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं किया है तो आपको यहाँ पर यह प्राइस देखने को मिलता है, 18% GST लगाते हैं तो आपको 46,893 इस टाइप का आपको प्राइस देखने को इस पर मिलता है। इसके अलावा आपके पास और भी बजट कम है तो आप यह रिसिप्ट देख सकते हैं और आप परचेस कर सकते हैं इसको। इसमें बट याद रखना है आपके पास 33,000 का इसमें हिसाब है और इसमें आपके पास यहाँ पर ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया हुआ है और ग्राफिक कार्ड के साथ साथ आपके पास कैबिनेट के पैसे भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं जो मैंने मेरा CPU बिल्ड कराया है वह कहाँ से कराया है, किस प्राइस पे कराया है। तो मैं मेरी रिसिप्ट लाना भूल गया था तो मैं आपको जो फोटो क्लिक की थी उससे ही दिखा देता हूँ। जो शॉप का नाम है वह है कोस्ट टू कोस्ट, बट यह अलग शॉप है। तो अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो मेरा प्रोसेसर है 3400G, इसका जो मुझे प्राइस पड़ा जैसे देख सकते हैं 16,800 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं 8320 प्रोसेसर यहाँ पर मदरबोर्ड की, जो मेरा प्राइस पड़ा है यहाँ पर 4400 रुपये। उसके बाद 1 TB हार्ड डिस्क का जो मुझे प्राइस पड़ा है वह 2900 रुपये। उसके बाद 8 GB जो मुझे रैम मिली है वह 3600 रुपये मिली है। इसके अलावा हम बात करते हैं 240 GB SSD की, वह मुझे मिली है 2800 रुपये में। उसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट की, वह मुझे मिला है 2900 रुपये में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर SMPS की, जो कि 450 वाट का है, जो कि कोशर का है, ठीक है, जो उसकी मुझे कॉस्ट पड़ी वह है 3800 रुपये। ग्राफिक कार्ड के कार्ड मुझे यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी है 3600 रुपये, 4 GB ग्राफिक कार्ड। सो गाइस, मुझे कुछ इस तरह से यह बिल देखने को मिला है, यह मुझे कॉस्ट पर मिला है। यदि आपको इस कॉस्ट पर यह जो स्पेसिफिकेशन वह परचेस करने हैं तो इस कॉस्ट का जो शॉप का जो कार्ड है वह यह है, आप देख सकते हैं। इस पर मैं जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो आप इस दुकान पर जाकर परचेज कर सकते हैं और नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि मुझे रिक्वायरमेंट किसकी थी, तो मुझे वीडियो स्ट्रीमिंग भी करनी थी, मुझे वीडियो एडिटिंग भी मोस्टली करनी थी, और उसके अलावा मुझे वीडियो जो यूज़र हैं उनको भी मुझे वीडियो बनानी थी उनके लिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास पूरे मैक के ही सिस्टम था, बट अब मेरे पास विंडो यूज़र के लिए सिस्टम आ चुका है। अब मैं विंडो यूज़र को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, तो यह मेरी रिक्वायरमेंट थी। यदि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, यदि आपकी गेमिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है जो बिल्डअप है 3600 के साथ वह बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसमें आपको ग्राफिक कार्ड भी अच्छा परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेनली जो गेम्स है वह ग्राफिक कार्ड पर ही डिपेंड करता है। तो आप 1650 सुपर, उसके साथ आप 3600 प्रोसेसर, उसके साथ आप जा सकते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। और जो मैंने आपको प्राइस बताया है वह बिल्कुल अभी के प्राइस है, लेटेस्ट प्राइस है, तो अभी जाकर आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने शॉप्स बताई है उन पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।